दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिसको इंस्टॉल करने के बाद आप अपने फ़ोन के सारे डिटेल्स देख सकते हैं, उसके एंड्रॉयड प्रोसेसर, क्लॉक स्पीड क्या चलती है और क्या नहीं है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस हमारे एप्लीकेशन का नाम है CPU Z करके नाम है और ये जो एप्लीकेशन है आप प्ले स्टोर से आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे आप इंस्टॉल कर लें इसको ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है जो कि है SOC, जिसमें आपको दिखाया जाएगा पूरी डिटेल्स इसमें क्या है। इसका प्रोसेसर और क्लॉक वाइज स्पीड भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो है हमारा क्लॉक वाइज स्पीड क्या चल रहा है। और ये CPU 0, CPU 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते हमारा 7 तक का जो क्लॉक वाइज CPU स्पीड है, क्लॉक स्पीड, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है। अभी 850 से 900 ऊपर चल रहा है, ये अप डाउन होते रहते हैं। तो जब हम डिवाइस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल नंबर SMA2255F जो कि है हमारा। उसके बाद अगर हमारा मैन्युफैक्चर है जो देखें तो यहाँ पे सैमसंग बोर्ड में A22 हार्डवेयर में जो है हमारा ये दिखा रहा है MT6769T। इसका डिस्प्ले की साइज़ है वो है 6.4 इंचज़ का और रेजोल्यूशन जो है वो 720 पिक्सल का हमारे पास दिखा रहा है। स्क्रीन डेस्टिनेशन 274 का DPI दिखा रहा है जो कि। उसके बाद अगर हम बात करें रैम की तो यहाँ पे 6 GB रैम वाला है, लेकिन हमें जो स्टोरेज मिली है 5724 MB ही देखने को मिल जाती है। उसके बाद अवेलेबल रैम जो है वो अभी हमारे पास है 1 GB, मतलब 1545 MB के करीब है। तो अभी हम यूज़ कर रहे हैं तो कम ज़्यादा होता जा रहा है क्योंकि जो वीडियो बन रहा है वो इसी के स्टोरेज में ही समथिंग जा रही होगी, या पता नहीं समथिंग ये कम हो रहा है पता नहीं क्यों। उसके बाद इंटरनल स्टोरेज की अगर हम बात करें 107 GB हमें मिला है, मतलब समथिंग 8 GB, और हमें 128 GB वाला वेरिएंट है ये फ़ोन, उसमें हमें 107 GB डाटा मिला है यूज़ करने के लिए। अवेलेबल स्टोरेज हमारा इतना है जो कि हमारा पूरा क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम जाते हैं सिस्टम में। सिस्टम में आप देख सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन 13 है, API लेवल जो है हमारा 33 है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर पूरे लाइन से दे रखा है। अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आप अपने फ़ोन में सारी चीज़ें देख सकते हैं, प्ले स्टोर सब कुछ। उसके बाद हम जाते हैं बैटरी पे बैक, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बैटरी हेल्थ जो है मेरा काफ़ी गुड है, मतलब कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं है। पहले अगर आपकी आपका नया फ़ोन है तो यहाँ पे एक्सेलेंट वगैरह लिखा हुआ आएगा, लेकिन मेरे फ़ोन में गुड लिखा हुआ आ रहा है। लेवल जो देखे बैटरी का वो 43% चार्ज, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, मतलब गलत नहीं दे रखा है यहाँ पे देखेंगे तो। उसके बाद बैटरी पावर, जो पावर सोर्स है, बैटरी स्टेटस है डिस्चार्ज, अभी चार्ज नहीं लगा रखा हूँ। टेक्नोलॉजी का अगर यूज़ किया गया है तो लिथियम आयन की बैटरी, टेम्परेचर बैटरी का इतना वोल्टेज जो है इतना है 3742 MP का वोल्टेज है। तो ये तो हमारा हो गया बैटरी का। उसके बाद थर्मल में अगर हम जाएँ तो यहाँ पे थर्मल के भी में जो डाटा है मिल जाए 31.6 डिग्री सेल्सियस। थर्मल सेंसर 0 जो है वो है 32.8, थर्मल सेंसर 1 जो है वो 32.7 ये भी हो गया, अब कम हो गया। तो ये लाइव दिखाता है यहाँ पे सेंसर जो हमारे पास जितने वर्किंग कर रहे हैं 1 2 3 4, और उसके बाद जो है नीचे भी 1 2 3 4 5 जो कुछ 5 6 सेंसर है, मतलब 5 और 9 सेंसर है वो काम कर रहा है। बाकी अगर सेंसर इसमें काम नहीं कर रहा है इस वक्त। और उसके बाद है अवार्ड में अगर हम आए तो यहाँ पे अवार्ड में GPU Z का पूरा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा, एंड्रॉयड वर्जन जो है 1.4। वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।